गुड मॉर्निंग एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फ्री फायर के एक और एक एक्साइटिंग वीडियो में। तो भाई लोग, आप फाइनली देख ही चुके हैं कि फ्री फायर में दो तीन न्यू इवेंट आया है, जिसमें से हम लोग एक है हैकर्स स्टोर, यानी कि आप इसे मोको स्टोर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी में आया है हम लोग के यहाँ पर से कुछ न्यू इवेंट जो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर से इस टाइप का यहाँ से आप इवेंट देख सकते हो। हालांकि ये नीचे वाला इवेंट आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ से हम लोग को इस तरीके से बंदे को किल करना है, उसको यहाँ पर बिग हेड मोड में गेम प्ले करना है और साथ में रैंक मोड में गेम प्ले करना है। जैसे हम लोग साथ में बात करेंगे यहाँ पर से एक्स्ट्रा रिवार्ड की, और साथ में हम आपको दिखाएंगे यहाँ से मोको स्टोर की जो रियलिटी है वो भी आपको बताएंगे, और वहाँ पर कितना टाइम आपको वेस्ट होता है एक चीज़ को लेने के लिए टोटल आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ज़्यादा बात को लंबा नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स टिप्स एंड ट्रिक्स होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इस इवेंट की, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल यहाँ पर आप देख पा रहे लिखा हुआ है प्ले फॉर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। यहाँ पर प्ले बिग हेड मोड एंड किल एनिमीज एंड किल एनिमीज अर्न न्योल्टिक सेट ट्रायल। तो यहाँ से आपको ये वाला सेट जो है बिल्कुल ट्रायल के मिले, ट्रायल के लिए मिलेगा, यानी 7 दिन के लिए। तो यहाँ से आपको गेम प्ले करना होगा, और मतलब वहाँ जो आपको रूल दिया गया, यहाँ से आपको इन सब चीज़ों को मतलब 7 किल, उसके बाद 50 किल, उसके बाद आपको 6 बिग हेड मोड, 9 बिग हेड मोड, उसके बाद यहाँ से रैंक मैच 2 3 बार, उसके बाद यहाँ से रैंक मैच 6 बार, रैंक मैच 10 बार, इस तरह से आपको प्ले करना होगा। तो ये तो मतलब आप इजीली कर सकते हो। यहाँ से बात कर ली इस चीज़ की, नीचे वाली प्ले रैंक मैच अर्न लेजेंडरी गन ट्रायल। तो यहाँ से आपको रैंक में गेम प्ले करना होगा, जिसमें आपको कोई भी लेजेंडरी गन की स्किन मिलेगी। अब इस हो सकता है सिर्फ और सिर्फ UMP की मिलेगी, बट यहाँ पर से लेजेंडरी गन की स्किन बताया गया, और साथ ही ये जो मिलेगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के लिए मिलेगा, यानी कुछ ही दिन के लिए मिलेगा, परमानेंट नहीं मिलेगा। तो आपका आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं मोको स्टोर की, यानी कि हैकर्स स्टोर की, उसकी रियलिटी की। तो भाई लोग, यहाँ पर आपको मिल जाती है अपग्रेड हैकर स्टोर। तो मैं सिंपल जाता हूँ हैकर स्टोर में क्लिक करके अंदर, ये मतलब कहीं पर फीचर नहीं दिया गया इसे ओपन करना, डायरेक्ट आप बैनर से ओपन कर सकते हो। सकता है अभी आपको दे दिया होगा, क्योंकि जब मैं ट्राई कर रहा था मॉर्निंग में 8 बजे तो तभी नहीं आया था। तो यहाँ सब दो आइटम को आपको सेलेक्ट करना होता है, इसमें जो आपका फेवरेट आइटम है वो दो आइटम से सेलेक्ट करो। तो मैं आपसे नाइट पेंथर और न्यू वाला बंडल जो है मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसको यहाँ पर से वो फर्स्ट में जो मिलती है वो आपको 9 स्पिन मिलती है, उसके बाद आपका मतलब इंक्रीज होता जाता है। तो फर्स्ट में 9 स्पिन, उसके बाद 99 स्पिन, उसके बाद 100 कुछ स्पिन। तो मैं सब करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसलिए बताया कि डायमंड वेस्ट मत करें। तो यहाँ पर से अगर आपको ज़्यादा डायमंड है कि 1000 डायमंड के आसपास है, तो आप इसमें दिमाग लगाओ, और आपका डायमंड 400 500, आप इसमें दिमाग नहीं लगाओ, आप एक बार फर्स्ट वाले या सेकंड वाले ट्राई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ट्राई किया तो मेरे को कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ पेट फूड मिला। मैं फिर से ट्राई करता हूँ यहाँ पर से 99 डायमंड का, तो मैं यहाँ से कन्फर्म पर क्लिक करना होगा आपको। तो मैंने 99 डायमंड यहाँ पर फिर से लगा, तो देखता हूँ मेरे को क्या मिलता है इस बार। और इस बार मतलब कोई भी चीज़ अगर एक बार निकल जाता है तो दोबारा वो चीज़ नहीं आता है। तो यहाँ से देखता हूँ क्या मिल जाए, मिल जाए कोई भी अच्छा सा बंडल या फिर नाइट पेंथर, क्योंकि दो मेरा फेवरेट है। तो ये जो कोई लेवल अपग्रेड का कार्ड मिला, 4 लेवल का कार्ड, तो ये भी मतलब कुछ खास खास काम का नहीं है। उसको बात कर लें यहाँ से नेक्स्ट, फिर इससे करते हैं फिर से स्पिन 199 डायमंड का। तो यहाँ से फर्स्ट में 99, उसके बाद फिर से 99, फर्स्ट में 9, फिर 99, फिर 199, मतलब बहुत ज़्यादा डायमंड आपको टोटल इस चीज़ को पूरा स्पिन करने के लिए मेरे ख्याल से 800 900 डायमंड के आसपास लग जाए। तो मैं यहाँ पर साहब देख पा रहे हैं कि मेरे को फिर से मिला यहाँ पर से बाउंटी टोकन, तो मेरे पास अब तो ज़्यादा डायमंड नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग इसे इसलिए बता रहा था कि आपको आप लोगों के पास 1000 डायमंड के आसपास है तो आप इस पर स्पिन करो, वरना आप इस पर स्पिन ना करो, क्योंकि इसमें आपको फालतू का डायमंड वेस्ट हो जाएगा। आप जो मतलब बंडल के लिए सोचोगे या फिर मतलब कोई रेयर आइटम के लिए सोचोगे तो आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको तुच्छा सा सामान यहाँ पर आइटम आपको मिल जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप अगर आप लोगों के पास 1000 डायमंड के आसपास में तो आप इसे ट्राई करो, वरना आप ऐसे मतलब कोई फ़ायदा नहीं, झूठ का आपका डायमंड वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको फालतू का इन 6 5 पहले 3 4 आइटम का कवर करें, किसी किसी का वैसा लक है तो वो मतलब उसको रेयर आइटम मिल जाएगा, वरना 4 आइटम में से किसी मतलब टोटल को पहले ये खत्म करेगा। आप देख सकते हैं मेरा 3 खत्म हो चुका है, लास्ट में ये वाला बॉक्स खत्म हो, उसके बाद मेरे को ये दोनों में से कोई चीज़ मिलेगा। तो इसलिए मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरे पास डायमंड नहीं है, 180 डायमंड बचा हुआ है। तो मेरा काम था आप लोगों को बताना, आगे आपकी मर्जी। तो आप लोग मेरे कमेंट में बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिसमें स्पिन किया और कितना कितना डायमंड तक वेस्ट किया है, और किसको यहाँ पर से रेयर आइटम मिला है। तो आज की वीडियो में इतना से, उम्मीद आपकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।